हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए अगस्त 2023 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। खास भाई सभी के लिए रीडिंग होगी जो सिंगल है, मैरिड कपल्स हैं या आप अगर किसी रिलेशनशिप में, तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग और मैसेजेस होंगे। यहाँ मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस। ये कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आप में से कुछ लोग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप में हैं, यानी मिथुन तुला और कुंभ आपके पार्टनर की राशियां हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पैशन आपको लेकर फील करने वाले हैं इस मंथ में, और यहाँ ये आपसे बात करना चाहेंगे। और हो सकता है अभी ये बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हैं, अपनी फीलिंग्स ज्यादा जाहिर नहीं करते और काफी ज्यादा इन्होंने अपना हाइड किया है फीलिंग को, ऐसा दिख रहा है। मास्क और कवर आप देख रहे हैं। और ये बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के पर्सन है, पर ये प्यार के मामले में आपके सामने बिल्कुल एक कह सकते हैं अलग पर्सनैलिटी के पर्सन बन जाते हैं। तो इनसे शायद इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो है उसको शेयरिंग इनसे थोड़ा कम हो पा रहा है। तो इस मंथ में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि शुरुआत आप करें, ऐसा भी यहाँ इनके इंटेंशन दिख रहे हैं। और वहीं जो रिलेशनशिप में उनके पार्टनर भी ऐसी एनर्जी में रह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं पर शुरुआत आपसे चाहते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग है। पर बात आपसे जरूर होगी उनकी, अगर नो कॉन्टेक्ट था या बातचीत बंद थी तो शुरू हो सकती है इस मंथ में। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, यहाँ से भी नाइट का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्स है। पर ये तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके पार्टनर हैं, यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रहे हैं। फिर से आप देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है इन्होंने बहुत सारा कवर किया है खुद को। तो कोई इंसान है जो दिल ही दिल में आपको बहुत ज्यादा चाह रहा है, ऐसा लग रहा है। टॉरस कोई इंसान है जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रश रख रहा है, बहुत ज्यादा आप उनके लिए अहम इंसान हैं और बहुत ट्रू इमोशंस हैं उनके, पर वो सामने नहीं आना चाहते। मे बी ये बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है जर्नल लाइफ में, पर ये आपके सामने नहीं आना चाहते या किसी वजह से ये आपसे थोड़ा डर रहे हैं सामने आने से, अपने इमोशंस बताने से। पर इनका पैशन जो है वो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर सन दिख रहा है पीछे आप। तो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत होने के काफी चांस हैं और सिचुएशंस ऐसी बनेगी कि आप लोगों का कनेक्शन बन जाए, इसके काफी चांसेस यहाँ दिख रहा है। और यहाँ जिनके रिलेशनशिप चल रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ, उनके लिए भी ऐसा लग रहा है कि नई बिगनिंग आपके लिए जरूर होगी। अगर कुछ रुकावटें हैं रिश्ते में तो वो खत्म होगी आपके लिए। वही नेक्स्ट कार्ड आया है द हैंग वुमन का। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी नॉन एक्शन मोड पे हैं, अपने आप को बहुत इस तरह से कर रखा है कि सब कुछ डिवाइन पावर पे उन्होंने सरेंडर किया है। और सिचुएशंस ऐसी है कि शायद वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे रिश्ते के लिए, तो अभी उन्होंने सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दिया है, गॉड पे फेथ रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, ऐसी उनकी फीलिंग है। और ये उनके लिए अभी के लिए सही भी है क्योंकि एक टाइमिंग के साथ आपके लिए पॉजिटिव चेंज लिखा हुआ है और ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और हीलिंग, हैप्पीनेस का टाइम है। सेल्फ एनालिसिस वो कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ पे भी वो ध्यान दे रहे हैं। वहीं फिजिकल वर्ल्ड से वो थोड़ा सा दूर हैं, शायद हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर बहुत दूरियों पे रह रहे हैं और बिल्कुल ऑन ऑफ जैसा सिचुएशन चल रहा है। पर यहाँ ये उनका अपना कह सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देने का समय, वो इस चीज को समझ रहे हैं और अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है टॉरस बहुत ज्यादा दुख उठाया है, आपने अभी किसी रिश्ते में धोखा खाया है, किसी ने आपको बहुत बुरा चीट किया है, आपने बहुत सारा दुख अपने अंदर समेट रखा है, बहुत सारी परेशानियां आपने अभी अभी फेस की है और अकेले ही आप डील कर रहे हैं इन सबसे और इसमें आपको किसी का साथ भी नहीं मिल रहा। और ऐसे सिचुएशन में आप अभी तक फंसे थे या उससे निकल कर आए जो आपके लिए बहुत पेनफुल थी। कुछ लोगों ने तलाक देखी हो सकती है, कुछ लोगों ने अभी सेपरेशन देखा है, कुछ लोगों ने ब्रेकअप जैसा देखा है। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं देखा है, आप एक सिंगल पर्सन भी हैं, तो जनरल लोग भी आपके साथ शायद अच्छा बिहेव नहीं कर रहे या जैसा ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला, उन्होंने काफी दुख पहुंचाया है आपको, काफी लोगों ने आपको चीट किया है जर्नल लाइफ में भी और इसी वजह से आप काफी
आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप आसानी से किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे और पीछे मुड़कर देख रहे हैं, पुरानी यादें आपको सता रही है, कुछ बुरे एक्सपीरियंस और ख्याल आपके मन में आए जा रहे हैं। और मून का यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर है, तो मून ये बताता है कि बहुत सारी दुश्चिंताएं, भ्रम आपके अंदर है, इल्यूजन्स हैं, और उसी चीज को लेकर आप नाइटमेयर्स वगैरह फेस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में हैं, और ये सब चीजें आपकी लाइफ में अभी चल रही है। पर यहाँ आपके लिए कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का, तो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स आपकी लाइफ से जुड़ सकती है इस मंथ में, और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, मिथुन तुला और कुंभ राशि के पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के पर्सन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में बिलीव करने वाले बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, और इन्हें साफ तौर तरीकों से अपनी बातें रखना पसंद है, और ये ईमानदार और सच्चे इंसान हो सकते हैं जो आपसे जुड़े हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि सोर्स एनर्जी के काफी कार्ड आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत बंद थी या बिल्कुल ऑन ऑफ सिचुएशन था, तो उसमें आपके लिए चेंज आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आप देखेंगे कि आपके पार्टनर का मन कर रहा है आपसे बात करने का, हो सकता है वो आगे हो के आपसे कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, फोन कॉल करें, मैसेजेस करें, ऐसा उनकी यहाँ फीलिंग दिख रही है। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कॉइंस का, तो कुछ लोगों के पार्टनर चौरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हैं, यानी वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि के आपके पार्टनर हैं, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि क्वीन लाइक कह सकते हैं, उनमें क्वालिटीज है, बहुत अच्छे वो पद पे हो सकते हैं, बहुत अच्छा उनका अथॉरिटिव जॉब हो सकता है जो आपके लिए इस मंथ में आए, थ्रू मैरिज प्रपोजल, कुछ लोगों के लिए एक फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, और ये बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ फाइनेंशियली स्टेबल हैं, पर इनका एक स्टैंडर्ड है, और ये कह सकते हैं ऐसे पर्सन हैं जो बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल इनका हो सकता है, बहुत वेल्थ है इनके पास, और ये आपसे जुड़े इसके काफी चांसेस हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हैं, और ये अपनी प्रोस्पेरिटी, अपना अबंडेंस आपके साथ शेयर भी करेंगे अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं। वहीं आपके लिए द विजडम ऑफ हिडन रिलीम ऑरेकल डेक से कार्ड आया है द आइस क्वीन का, पर ये यहाँ रिवर्स में आया है, तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग कार्ड नहीं है, सपोर्टिव कार्ड हो गया है, क्योंकि अभी तक आप आइडिया प्रिजर्व, नॉन एक्शन और अनटाइटलमेंट की स्थिति से जूझ रहे थे, यानी अभी कुछ आप लोगों के रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था आपको, बहुत आइसोलेशन में आप रहे हैं, किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, या अभी भी आपके कोई फाइट वगैरह हुई है कपल्स के बीच में, और इसी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान रहे हैं, दुख उठाया है आपने, काफी सेपरेशन को आपने झेला है, पर ये सब चीजें आपके लिए खत्म होगी क्योंकि रिवर्स में आया है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत जल्द चेंज होने वाली है इस मंथ में, और इस आइसोलेशन से आप बहुत जल्द निकलेंगे। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द कैमर बॉय का, और ये भी रिवर्स में आया है, स्मॉल स्टेप्स आस्किंग फॉर हेल्प, जी ये रिवर्स में आया है, तो ये भी आपके लिए सपोर्टिव कार्ड बन गया है, अभी तक आपको लोगों की बहुत मदद लेनी पड़ने की आवश्यकता हो रही थी, आपको लग रहा था कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और आप अभी तक बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, पर ये स्थिति आपके लिए इस मंथ में चेंज होगी, जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए इस मंथ में, काफी चांसेस हैं, और ये आप अपने आपके बल पे ही कर लेंगे, यानी आपको किसी की मदद की जरूरत भी ना पड़े, इस तरह की सिचुएशन आपके लिए होगी कि आप सेल्फ सफिशियंट इस मंथ में रहेंगे, अपने आप पर आत्मनिर्भर रहेंगे, और आपके जो गोल्स हैं उनको आप अचीव कर लेंगे, चाहे वो जर्नल लाइफ हो, लव लाइफ हो, या आपकी कह सकते हैं कैरियर लाइफ हो, पर आप इस मंथ में सेल्फ सफिशिएंट पर्सन रहेंगे, आप खुद से ही बहुत ज्यादा पावर पोजीशन में रहने वाले हैं, आपका आइसोलेशन खत्म हो रहा है, अभी तक जो डिपेंडेंसी थी आपकी लोगों पे वो भी खत्म हो रही है, तो आप सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द वर्ड लॉर्ड का, कम्युनिकेशन प्रेज और डिसऑनेस्टी, जी कुछ लोगों ने आपको बहुत बुरा चीट किया है, ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है, बहुत दोहरे लोग आपको मिले हैं अभी तक, बहुत जेलस लोग मिले हैं, और उन्होंने आपका बहुत फायदा उठाया है, पर आपको लग रहा है कि उन लोगों के साथ कुछ भी उनको उनके कर्मों का कोई फल नहीं मिला है, तो इस मंथ में आप देखेंगे कि गॉड उनको उनके कर्मों का फल देंगे, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, डिसऑनेस्टी की है, वो उस चीज का फल भी इस मंथ में आप देखेंगे कि उनको वैसा ही फल मिल रहा है जैसा उन्होंने आपके साथ किया था। 43 नंबर यहाँ श्योरिटी दे रहा है, 4 + 3 = 7 होता है, तो आप डिवाइनली काफी गाइडेड और प्रोटेक्टेड हैं, तो यहाँ आपके साथ जिन्होंने कुछ गलत किया है उनके कर्मों का फल वो रिटर्न में वैसा ही देखेंगे, और यहाँ डेस्टनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके लिए इस मंथ में। वही नेक्स्ट कार्ड आया है द वेल वॉचर का, विजडम पावर ऑफ द डिवाइन, आपने जिस दिल से आप अपने सारे रिश्ते निभाते हैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से, तो वो चीज कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी, और डिवाइन पावर आप इस मंथ में देखेंगे,
आपको देखा जा रहा है, आपके सारे कर्मों को वॉच किया जा रहा है, और आपकी जो समझदारी है वो हर सिचुएशन से आपको बाहर निकलने में मदद करेगी। और यहाँ एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आए, और ये पर्सन जो है वो आपको लाइफ में एक नए तरीके से जीवन जीने के लिए कह सकते हैं, आपको एक नया फेज आप लाइफ का इनके साथ देखेंगे। और नंबर 7 यहाँ से भी आया है, 7-7 आपके लिए आ चुका है, तो आप काफी डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड हैं यहाँ। वहीं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटनी का, और यहाँ क्लियर विजन और डिटेल्स का कार्ड है। तो फिर से वही चीज आपको कही जा रही है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ गॉड उसको वॉश कर रहे हैं, और जैसा आपने अपने अपनों के लिए किया है मे भी आपको बदले में वैसा नहीं मिला है अभी तक। तो यहाँ ये चीज आपको कही जा रही है कि आप जितना भी कुछ अच्छे कर्मा करे जा रहे हैं वो कहीं भी वेस्ट नहीं जा रहे हैं। आपको लाइफ में जितना भी अभी तक असमंजस की स्थिति थी वो सब आपके लिए खत्म होगी, और आप एक क्लियर विजन इस मंथ में देखेंगे अपने लिए। आपको अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे या उनका रास्ता आपको मिल जाएगा। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द ऑल्टर प्रिस्टेस का, प्रिपरेशन प्रेयर और सेक्रेड रिचुअल। जी, आप जो भी अपने कह सकते हैं धर्म से कनेक्टेड हैं, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं, उनसे प्रेयर करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि आपका जो ये रिचुअल है, जो भी आप भगवान से जिस तरह से मांगते हैं प्रार्थनाएं, वो सुनी जा रही है, और आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, बहुत शुद्धता से आप अपने विचार रख रहे हैं गॉड के सामने, और आपने सरेंडर भी किया है गॉड को, और आप अपनी गलतियों पर भी शर्मिंदा यहाँ दिख रहे हैं। तो आपको आपके कह सकते हैं ये ऑनेस्टी जो है आपकी गॉड के सामने, वो चीज आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड इस मंथ में दिलाएगी। और ये जो रिचुअल आप करे जा रहे हैं, जो पूजा प्रार्थना आप करते हैं, मे भी आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो डेली बेस पे मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, या आप चर्च जाते हैं, तो ये चीज आप करते रहें, क्योंकि प्रेयर हैं जो दुआएं हैं ये कबूल होने वाली हैं, और आपकी प्रार्थनाएं या प्रेयर आपको आंसर होते हुए दिखेगी इस मंथ में, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन काफी सही दिशा में चल रहा है। तो ये प्रेयर आप कंटिन्यू करें इसी तरह से। वहीं आपके लिए अगर हम देखें तो फेरिस की तरफ से यहाँ मैसेज कार्ड आया है प्योर इंटेंशन का, तो यहाँ आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके इंटेंशन बहुत प्योर हैं, और यही चीज आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगी। आपके जो ड्रीम्स हैं वो आप फुलफिल कर पाएंगे ऐसा लग रहा है, या उनका रास्ता आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप फेरीज के प्रोटेक्शन में हैं। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है टेम्पटेशन का, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत दौरे हैं, आप देख रहे हैं स्नैक हैं, तो आपके आसपास काफी नेगेटिव लोग भी हैं, तो आप उनसे थोड़ा बच के रहें। बहुत ज्यादा डिटेल्स हर किसी से शेयर ना करें, जो आपके अपने हैं, नियर वन हैं, डियर वन हैं, उन्हीं से आप अपनी डिटेल शेयर करें, और सही और गलत लोगों को पहचानने की थोड़ी सी आप कोशिश करें, क्योंकि कुछ लोग दौरे हैं और आप उनको समझ नहीं पा रहे, और वो आपका शायद अभी तक फायदा उठाते आए हैं। तो आपको फेरिस वार्न कर रहे हैं कि आप ऐसे दोहरे लोगों से थोड़ा दूर रहें। वहीं नेक्स्ट कार्ड आया है लॉस्ट एंड फाउंड फेरी का, तो आप में से कुछ लोगों ने किसी रिश्ते को अभी अभी खोया था, जो कैंसर स्क्रॉपियो पाइसिस थे, यानी कर्क मीन और वृश्चिक उनकी राशियां थी, तो यहाँ इस मंथ में फिर से आपके एक्स बैक हो सकते हैं, ऐसे भी यहाँ चांसेस दिख रहे हैं, और ऐसा फेरी सपोर्ट की वजह से आपके लिए होने वाला है। तो कुछ लोगों के एक्स बैक हो सकते हैं, और ये वाटर साइन हो इसके चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। वहीं जो पर्सन आपके लिए आ सकते हैं उनके इनिशियल जेडिक साइन क्या होंगे, और आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज होगा। एन नाम से हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर का नाम, जे, सैड और वाई, वी। आपके पार्टनर की राशि अगर हम देखें, एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि के, लीब्रा भी हो सकते हैं, यानी तुला राशि के। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज होगा। यू कैन लिसन टू मी विद स्माइल भी मैसेज है आपके लिए। माई लव इज सेल्फिश, आई कैन नॉट ब्रीथ विदाउट यू। जी, वो आपके बिना सांस भी नहीं ले पाते, वो इतना ज्यादा चाहते हैं आपको। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, ये भी मैसेज है। और आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर, उनके पास आपके सारे क्वेश्चंस के शायद अभी आंसर नहीं है। लव एट फर्स्ट साइड, जी ऐसा होने वाला है कि। तो यहाँ आप लोगों के लिए ही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव हैप्पी मंथ टॉरस।